नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में मैंने मेरी बैटरी रिप्लेस कर दी थी और मैंने सब कनेक्शंस वापस जोड़ देते। अब मैं मेरी बाइक जो है वो फिर से सेल्फ स्टार्ट करने को ट्राई करूँगा। और ये जो वायर्स है ये आपके ब्रेक स्विच के है। जब आप सेल्फ स्टार्ट करते हो तो एक ब्रेक खींच के आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाना पड़ता है, तो वो स्विच के वायर्स है। इसका स्विच कैसे रिप्लेस करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में देखते हैं ये सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। वो तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख के आइए। लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ। तो इधर मैंने मेरी बैटरी रिप्लेस कर दी है, लेकिन इधर आप देख सकते हैं मेरा सेल्फ स्टार्ट नहीं लग रहा है फिर भी। तो दोनों ब्रेक खींच के अगर आपने सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाया तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके मेन सेल्फ स्टार्ट स्विच में फॉल्ट है या आपका CDI यूनिट रिले को ग्राउंडिंग नहीं दे रहा है। तो अभी इधर ग्राउंडिंग शॉर्ट करके हम लोग देखेंगे स्टार्ट होता है। तो इधर मैं निकालूंगा मेरा रिले फिर से बाहर और ये रिले जो है वो मैं अनप्लग करूंगा। अभी रिले तो मैंने अनप्लग कर दिया है। अभी ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट में जो वाइट के ऊपर ग्रीन लाइन है उस वायर में मैं ये एक्स्ट्रा वायर सॉकेट में ऐसे डाल दूंगा। ये कौन सा वायर है ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखाया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख के चेकआउट कर सकते हो। तो ये डाल दिया मैंने वायर इस सॉकेट के अंदर, ये एक्स्ट्रा वायर कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर आप डाल सकते हो। और बाद में इधर मैं रिले इसके ऊपर ऐसे ही घुसा दूंगा अंदर। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये घुसाया है, वो वायर सॉकेट में डाल के अंदर घुसाया है। अब ये सब रिले आपको फिर से वापस अंदर डालने हैं। तो ऐसा हुआ तो दो फॉल्ट्स हो सकते हैं, एक तो आपका CDI यूनिट ग्राउंडिंग का सप्लाई इस रिले को नहीं भेज रहा है, या दूसरा ये वायर का कनेक्शन जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने वो वायर चेक किया था, वायर की कंटिन्यूटी हम लोग को मिल रही थी, लेकिन फिर भी इधर आप देख सकते हैं ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इधर मैं अभी चालू करके देखूँगा। इधर आप देख सकते हैं चालू अभी हो गया, एक बार वायर कनेक्ट करके आपने चालू कर दिया तो बाद में कुछ देर के लिए आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वो सप्लाई मिल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद अभी अगर आप स्टार्ट करने को जाओगे तो आपकी स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए ये वायर इधर हम लोग अभी फिक्स करेंगे और इधर इस बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल पे इसे अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो अभी मैं चेक करूँगा मेरी गाड़ी स्टार्ट करके। इधर आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट में प्रॉब्लम कर रही है तो ये वायर शॉर्ट करके देखने को मत भूलिएगा CDI यूनिट रिप्लेस करने से पहले। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।